प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम दो दिन से व्याकरण शास्त्र के विषय में अपना अध्ययन जारी कर रहे थे और इससे आगे बढ़ते हुए हम अब आते हैं दुष्टः शब्दः। उदात्त आदि स्वर और स्थान प्रयत्न मात्रा आदि जन्य स्वर व्यंजन रूप वर्णों की दृष्टि से दोषयुक्त शब्द मिथ्या प्रयुक्त होने से अभिष्ट अर्थ को नहीं बताता है। वह दुष्ट शब्द वाणी रूपी वज्र बना हुआ स्वयं यजमान को ही वैसे नष्ट कर देता है जैसे स्वर के अपराध या दोष के कारण इंद्र शत्रु शब्द ने प्रयोक्ता स्वयं त्वष्टा को नष्ट कर दिया था। भर्तृहरि के अनुसार स्वाहिंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इस अहित मंत्र में प्रयुक्त शत्रु शब्द दुश्मना अर्थ में रूढ़ी होते भी यह अर्थ प्रकरण वशात रिपु रूप रूढ़ी अर्थ को छोड़कर शत्रु शब्द में विद्यमान केवल शत्र धातु या शातन किया क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त मात्र की अपेक्षा करते हुए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए इसका यहाँ केवल यही रूढ़ अर्थ नहीं है इंद्र स्वामित्र अथवा इंद्रो वा मित्रो अस्य, अपितु शातन क्रिया को ही प्रवृत्ति निमित्त रूप से में लेकर शत्रु शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तदनुसार जो शातीता अथवा शमयिता है उसे शत्रु कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इंद्रस्य शातीता भव ऐसे आद्योताद आदि तत्पुरुष समासगत स्वर को लेकर इंद्र शत्रु वर्धस्व, यह प्रयुयुक्षित मंत्र ऋत्विक के प्रसाद से इंद्र शातीतास्य ऐसा आद्युताद वाला बहुव्रीहि समासात स्वर को लेकर इंद्र शत्रु वर्धस्व वह मंत्र प्रयुक्त ही हो गया है। फलतः वह मंत्र स्वयं का आत्मघाती हो गया। वास्तव में इंद्र शत्रु शब्द के दो अर्थ हैं, एक इंद्र को मारने वाला जो कि इंद्रस्य शत्रु इस षष्ठी तत्पुरुष समास में समाहित होता है तथा दूसरा इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला जो कि इंद्र शत्रु यस्य इस बहुव्रीहि समास में से बोधित होता है। अर्थात उपर्युक्त प्रथम तत्पुरुष समास में इंद्रस्य शत्रु इस प्रकार इंद्र और शत्रु शब्दों का वैधिकरण्य होने से फिर इंद्रस्य शत्रु वृत्र है इस तरह शत्रु शब्द वृत्र का समानाधिकरण या विशेषण बन जाता है और उस इस अवस्था में वह तद्विरोधी इंद्र का ही शातन करेगा। फलतः यहाँ तत्पुरुष मानने पर वृत्र इंद्र का मारने वाला बनता है जो कि इष्ट है, जबकि बहुव्रीहि समास में इंद्र शत्रु यस्य इस प्रकार इंद्र और शत्रु का परस्पर समानाधिकरण्य या विशेषणाविशेष्य भाव होने से फिर वह तद्विरोधी वृत्र का शातन करेगा। फलतः यहाँ बहुव्रीहि मानने पर फिर स्वयं वृत्र ही इंद्र का वध्य हो जाता है। एक प्राचीन वैदिक आख्यायिका के अनुसार स्वाहिंद्र शत्रुर्वर्धस्व यह मंत्र इंद्र को मारने के लिए वृत्र के द्वारा पढ़ा गया था जो कि तत्पुरुष समास के अद्योतात स्वर से पठनीय था, परंतु ऋत्विक के प्रसाद से यह बहुव्रीहि समास के पूर्वपद प्रकृति स्वर से उच्चारित हो गया। फलतः स्वर दोष के कारण स्वयं वृत्र का ही इंद्र के द्वारा वध हो गया। इसलिए हम दुष्ट शब्दों का प्रयोग न करें इस दृष्टि से व्याकरण पढ़ना चाहिए। यद अधीतम, जो केवल वाचन या पढ़ा हुआ है परंतु व्याकरण के द्वारा अर्थ ज्ञान पूर्वक सम्यक जाना हुआ नहीं है, अर्थात केवल शब्द से ही जिसका उच्चारण मात्र किया जाता है वह अध्ययन वैसे ही अनर्थक होता है जैसे जलने में समर्थ सूखी लकड़ी भी अग्नि रहित स्थान में पड़ी हुई कभी प्रज्वलित नहीं होती। इसलिए अपने अध्ययन को अनर्थक होने से बचाने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। निरुक्त को भी केवल वाचक व्यक्ति के लिए स्थानोरयम भार हार है कहा गया है। यस्य प्रयुंक्ते, जो प्रकृति प्रत्यय रूप संसार में कुशल पुरुष व्यवहार दशा में शब्दों का ठीक ठाक या विषयानुसार प्रयोग करता है वह वाग्योदित इस लोक के साथ साथ दूसरे लोक में भी अनंत जय को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो वाग्योगवित नहीं है वह अपशब्द प्रयोग से दोष को प्राप्त करता है। भाष्यकार ने यहाँ वाग्योगवित शब्द को सोद्देश्य प्रयुक्त किया है। इसका भाव है कि यूँ तो कोई भी शब्द अपशब्द नहीं होता क्योंकि प्रत्येक शब्द प्रवृत्ति निमित्त के भेद से अर्थ विशेष में या विषयांतर में साधु हो सकता है, किंतु वाग्योगवित वही व्यक्ति कहलाता है जो इन शब्दों के प्रयोग विषय को जानता है। कहने का तात्पर्य है
कि कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता या किसी उद्देश्य से रहित नहीं होता, क्योंकि नियता विषय आदि शब्द दृश्यन्ते। इस भाष्य वचनानुसार व्यावहारिक भाषागत शब्दों के प्रयोग का क्षेत्र भी असीम न होकर सीमित ही होता है। तदनुसार यह आवश्यक नहीं है कि जो शब्द जिस स्थान पर जिस अर्थ का बाधक वाचक है वह सर्वत्र उसी अर्थ का बोध कराए, या दो शब्दों के समानार्थक होने पर भी कोई शब्द किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है तथा कोई शब्द किसी अर्थ विशेष का, जैसे गौ और घोड़े का एक समान शुक्ल वर्ण होने पर भी गौ के लिए श्वेत शब्द का ही प्रयोग होता है, कर का नहीं। उसी तरह गौ और घोड़े का एक समान लाल रंग होने पर भी गौ के लिए लोहित शब्द का ही प्रयोग होता है, शोण का नहीं। इसी तरह गौ और घोड़े का एक समान काला रंग होने पर भी गौ के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है, हेम शब्द का नहीं। इस प्रकार शब्दों के प्रयोग विषय निश्चित होते हैं। परिणाम स्वरूप अश्व अस्त्र तथा गौ गौणी शब्द है। इनमें अस्त्र शब्द घोड़े अर्थ में तो असाधु है, परंतु स्व या धन रहित व्यक्ति अर्थ में साधु है। इस प्रकार गौणी शब्द भी अर्थ में तो असाधु है, परंतु आवापन विषय में साधु है। व्यवहार काल में शब्दों के इस विषय का प्रयोग क्षेत्र का ज्ञान व्याकरण से ही होता है, अतः इस कुशलता को प्राप्त करने के लिए हमें वाग्योगतित व्याकरण का अध्ययन, उसका मनन करना अत्यंत आवश्यक है।